तुझे कैसे लग रहे हैं? सच्ची सच्ची बता दो। आज तो तेरे मन ने बिल्कुल उस अंग्रेजी छोरी जैसी दिखी है। अच्छा? जिसकी तस्वीर या शीशे के डिब्बे में रोज आवे है। की नाम है उसका? टेलर मास्टर। अरे पगली, टेलर मास्टर नहीं, एलिजाबेथ टेलर। बहुत बड़ी एक्ट्रेस। राखे ये अंग्रेजी मारे मुंह से उल्टी पुलटी। तो फिर क्यों बोलते हैं अंग्रेजी? मन्ने तो ममदली का नाम आवे है। बड़ा सोना छोर है, बड़ा अच्छा काम करे है फिल्म आवे। तुझे अच्छा लगता है? हाँ बीबी, मन्ने तो यह भी पता है कि वह तन्ने भी बड़ा पसंद है। तैं भी तो उसकी बड़ी तारीफ करे। मोहम्मद अली से तेरी शादी करा दूं? हाय हाय बीबी, या के बात कर दी थमने। शादी तो मैं अपने दिलबर से कराऊंगी। होए होए, मैं तो भूल ही गई थी। चल ये ले ले। ओके यार, ये बीबी थारी डाक बड़े साहब ने भेजी है। नाजन कहाँ है दिलबर? अब आप तो अपने कमरे में आराम से बैठे हैं, इरशाद सारी बात का बना रहे हैं। बीबी, ये इरशाद साहब घना ही मस्का लगा है सेठ साहब को। जी अब जरा एक नजर इस फाइल पर भी डाल लीजिए सेठ साहब। ठीक है, इसे यहाँ रख दो, परसों इन्हें भी 2 लाख का चेक भिजवा देंगे। जी हाँ, वो दिन पर कहाँ है? वो मिस रजिया की डाक देने गया है। भाई हमारे लाड प्यार ने हमारी नवासी रजिया को जरा सा जिद्दी और खुसर बना दिया है। रजिया की माँ इस नन्नी सी जान को छोड़कर चल बसी थी और बाप भी अल्लाह को प्यारा हो गया था। हमने इसे बड़े ही नाजों से पाला है। अब सोचते हैं जरा इसे संभलना चाहिए। जी अंकल। जी एक बात और है, हमारी इतनी बड़ी जायदाद आखिर इसी को संभालनी है। आप ठीक कहते हैं अंकल, मिस रजिया को अपने आप में कुछ संजीदगी पैदा करनी चाहिए। भाई हम तो थक गए हैं समझा समझा कर, किसी बात की परवाह नहीं करती। सड़क पर गाड़ी यूं चलाती है जैसे हवाई जहाज उड़ा रही हो। आए दिन चालान होते हैं, रोज शिकायतें आती हैं। जी हाँ मुझे मालूम है। आज वो किसी सहेली की सालगिरह पर जा रही है। ड्राइवर की तो वो सुनती ही नहीं। भाई हमें भी उसकी कार चलाने से डर लगता है। हमारा ख्याल है तुम उसके साथ जाओ। जी आपका हुक्म सर आंखों पर अंकल, लेकिन मुझे तो वो घास ही नहीं डालती। अरे भाई डालेगी डालेगी, तुम्हें घास नहीं डालेगी तो और किसे डालेगी? हम उसे समझा देंगे। काश वो जल्दी समझ जाए। मेरा बस चले तो मैं शायद इस घर में कभी ना घुस। नारा जान उसे सर पर चढ़ा रखा है। रा ते असाद साहब से इतनी नाराज क्यों है? सूरत तो इतनी बुरी ना है उसकी जितनी तुम नफरत करो। लानत भेज उसकी सूरत पर। नाना जान का चर्चा। मैं आपका खादिम, मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ शेर साहब। शेर साहब अब ये फाइल देखिए। नाना नाम क्या? वो फाइल देखिए। और अब इतनी तरह ठीक नस्का खींचता है, इसी तरह मापता करे वो ससुरा। अरे आप कैसे ही नक्शे खींचो जावे, पर एक बात मारी भी पल्ले बांध ले कि रजिया बीबी की शादी अब साथ साथ की शादी होवेगी। मैं भी बड़े साहब की सारी बातें सुनूं। काजल खबरदार, जो आइंदा मेरे सामने इरशाद का नाम ले लिया। नाम तो उसका तय आप खुद लिए जावे है और झिड़का मने देवे है। और आप तो है ही झिड़का के काबल। और तुमने 1000 बारी समझा लिया कि बीबी का मिजाज देख के मजाक किया कर। हमारी बीबी कोई ऐसो वैसो से थोड़ी शादी करे यार, तो कोई और ही सोचा सोचे। और हम तो बीबी का मजाज पहचाने। ये क्या हंगामा है, क्या हंगामा है? हमने तुम्हें कितनी बार समझाया है रजिया बेटी कि नौकरों के साथ तुम्हारी इतनी बेतकल्लुफी अच्छी नहीं। तुम बच्ची नहीं हो, घर के नौकरों के साथ तुम्हारा हंसी मजाक का ही आलम है, तो इतनी बड़ी जायदाद के करिंदों पर अपना रोब दाब कैसे बरकरार रख सकोगी? मालिक और नौकर में एक फासला होता है, इसे कम करने से बदनज़मी पैदा होती है, बदनज़मी। नाना जान
आखिर हम घर में किसके साथ हंसे खेले? हम इसका इंतजाम भी कर रहे हैं। इस वक्त तो हम तुम्हें ये कहने आए हैं कि जिस सहेली की सालगिरह पर तुम जा रही हो, इरशाद भी तुम्हारे साथ जाएगा। जी, आज से वो हर जगह तुम्हारे साथ रहेगा और गाड़ी भी वही चलाएगा। व्हाट? तो क्या आपने उसे ड्राइवर के तौर पर मुलाजिम रख लिया है? नट डाल, हमने तो तुम्हारे लिए उसे चेकर मुकर्रर किया है। जी, मेरा? तुम्हारे लिए, क्योंकि हम तुम्हारे चालानों के जुर्माने तो अदा कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी जान खतरे में नहीं दे सकते। इरशाद अच्छा लड़का है, हमें उस पर एतमाद है। एतमाद? It is impossible, नारा जान, impossible. मालूम होता है बीबी जी का मूड बहुत ऑफ है। अंकल बिल्कुल ठीक है। चाबी कहाँ दी है? वो तो बिल्कुल ठीक है ना? जी जी, अब ऐसा ही करेंगे। एक दोस्त का टेलीफोन था, कह रहे थे बगैर बगैर से भी ज्यादा तेज गाड़ी चलाती है, अब क्या होगा? अभी तो कुछ समझ नहीं आती। टेलीफोन अंकल, टेलीफोन। जी, पुलिस साजिद का? जी जी, हम आपसे नहायत शर्मिंदा है। जी जी, हाँ जी, आप एक ही बजाय दो चार चालान कर देते उसके तो बिल्कुल ठीक है। जी हाँ, चालान? जी चालान, पुलिस साजन का टेलीफोन था। जी हाँ भाई, इस लड़की के घर से निकलते ही सारा निजाम तरम परम हो जाता है। हमने फैसला किया है कि जी आपने मुझसे कुछ कहा अंकल? हाँ, हमने फैसला किया है कि इस लड़की की शादी नहायत जरूरी है। बहुत अच्छा फैसला किया है आपने अंकल, लेकिन किसके साथ? यूं तो इरशाद बेटे, हजारों रिश्ते मिलते हैं, बड़े से बड़े घर का लड़का उससे शादी करने में फख्र महसूस करेगा, लेकिन तुम हमारे मरहूम दोस्त की निशानी हो, और हमारे पास काम करते करते हमारी जायदाद की देखभाल करना अच्छी तरह सीख गए हो, क्यों ना हम तुम्हें अपनी फजंदी में ले लें? जी हाँ अंकल, मैं तो आपका फोन नहीं डाल सकता, लेकिन मिस रजिया को रजामंद करना जरा मुश्किल है। मुश्किल कुछ नहीं जी, आज हम उससे खुल के बात करेंगे। पार्टी से आ जाए, हम उसकी हर जिद पूरी करते हैं
क्या वो हमारी एक बात नहीं मानेगी? तस्कीन, तुम्हारी सालगिरह का फंक्शन बहुत अच्छा रहा। अच्छा अब मुझे इजाजत दो। रजिया डियर, ज्यादा तकल्लुफ से काम मत लो। उस वक्त तक मेरी सालगिरह का फंक्शन अधूरा रहेगा जब तक तुम हम सबकी फरमाइश पूरी नहीं करोगी। अच्छा तो क्या मुझे जरूर गाना पड़ेगा? जी हाँ। अच्छा बाबा तुम नहीं बख्शोगी। थैंक यू। मुस्कुराते रहो यूं ही तुम मुस्कुराते रहो यूं ही तुम चांद बन कर खिलो फूल बन कर हंसो गीत गाते रहो यूं ही तुम मुस्कुराते रहो यूं ही तुम ही रहोगी, लेकिन बेटी तुम्हारी माँ जिंदा होती तो हमें कोई फिक्र नहीं थी। हमने तुम्हारी हर बात मानी है, हर जिद पूरी की है, लेकिन अब हम कुछ नहीं सुनेंगे। हमने इरशाद के साथ तुम्हारी शादी तय कर दी है और जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं डाल सकती। मैं इरशाद से शादी तो क्या, उसकी सूरत भी देखना पसंद नहीं करती नाना जान। रजिया, तुम्हें ये शादी करनी होगी। ये तुम्हारे नाना जान का नहीं, सेठ हमीदुद्दीन का फैसला है। मुझे जायदाद नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे ज्यादा। हेलो हेलो रजिया डार्लिंग, क्या हाल है? शिट शिट, मुझसे शादी करने की खातिर पारा चढ़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि बड़े मियां ने रजिया से मैं शादी की बात कर दी।
मगर इसका ये भी तो मतलब हो सकता है कि रजिया को बड़े मियाँ की बात मंजूर ही ना हो। अरे बीबी, अरे ले पान खा ले, मेरे दिलबर ने अपने हत्था से लगाया सारे रास्ते। काजल, एक बात पूछूं? क्या बात है बीबी? तू दिलबर से बहुत प्यार करती है। तो क्या शादी भी उसी से करेगी? बोल क्या, तेरे गेल करूंगी। अगर तेरे माँ बाप ने तेरी शादी कहीं और कर दी तो? तो मैं जेल खा लूंगी, पर शादी वहां के गेल ही करूंगी। पर तैं ये बातें क्यों पूछे है बीबी? बस ये मैं काजल। अच्छा अब तो जाओ। हमने तुम्हारी हर बात मानी है, तुम्हारी हर जिद पूरी की है, लेकिन अब तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे, कोई जिद पूरी नहीं करेंगे, तुम्हारी एक नहीं सुनेंगे। हमने इरशाद के साथ तुम्हारी शादी तय कर दी है। तो मैं जेल खा लूंगी, पर शादी वहां के गैली करूंगी। ये तुम्हारे नाना का नहीं, सेठ हमीदुद्दीन का फैसला है, जिसकी तमाम जायदाद की तुम वाहिद वारिस हो। तुमने अपने कपड़े मन अपना दिए और मारे नमे कपड़े खुद पहन लिए। मैं तेरे ये कपड़े पहनकर फैशन शो में जा रही हूँ। फैशन शो? यो के बला हुए है रे, जहाँ नौकरानी के कपड़े मालकन पहन के जावे है रे। काजल, ये तेरी समझ में नहीं आएगा। यूं समझ ले, आज से तू रसिया और मैं काजल। और हाँ देख, नाना जान या कोई और मेरे बारे में पूछे तो कह देना मन ने क्या खबर कहाँ गई, समझी? आओ ले तू यहाँ ऐश, मैं जा रही हूँ। चल जाओ कहीं भी जा, मेरा प्यार याद रखना। ओ चल जाओ कहीं भी जा। अरे ओ नवाब जादी, ये तड़के तड़के नवा कपड़ा पहन के कहाँ जा रही है? अरे हमारी बात है। अरे इसे क्या हो गया? वापस आ फिर निमटूंगा। भाइयों कहीं कहा आया बीबी जी? आया बीबी जी, आया 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 आया। माफ करना बीबी जी, जरा देर हो गई थी। क्या रे माफ किया, तैं भी के याद करेगा। दिद्दे फाड़ फाड़ के देखे है, मैं काजल हूँ। काजल काजल मैंने भाव देखी, काजल तय करती है तो यह बता के मैं वो ख्वाब था, मैं या ये मैं ख्वाब देख रही। अरा दिन में ख्वाब देख रहा है, अब ख्वाब खोल के देख, मैं असली काजल हूँ, असली। अरे वाह, मैनू भी पता है, पर ये बता के तय बीबी के पलंग पे क्यों बैठी, वहाँ के लीड़े क्यों पहने? बस पहनिए, मारी मर्जी। हरी मर्जी बड़ी नवाब की छोरी, शेर साहब ने देख लिया तो थारे साथ मारी हड्डियां भी चाप लेंगे। और यह बता कि वह कांति जो थारे लीड़े पहन के भी दरवाजे से बाहर गई है।
अरे मन्ने को तेरा डर पड़ा है, मैं क्यों बताऊं कि वह रजिया बीबी थी जो मारे लीड़े पहन के फैशन में सो मारने गई है। अरे तेरा सत्यानाश जाए रजिया भी, अरे अगर शेर सामने देख लिया तो जान से मार देगा। निकल चल पलंग से, वहां का पलंग गंदा कर दिया, जल्दी निकल, अरे निकल जल्दी। उम्र क्या है? मन्ने की खबर, मेरी मां पता हो वेला बताएगा, क्यों पूछे भाई? निया मेरे देखो, एक तो आधा टिकट है, दूसरे गलत डिब्बे में बैठो, समझे साथ जाते? आधा टिकट 3 साल से ज्यादा और 12 साल से कम उम्र के बच्चों का होता है, और तुम्हारा किराया तो पूरे टिकट भी ज्यादा होना चाहिए। बावला तो नहीं हो गया, मैं कि रोज थारी गड्डी में बैठो देख रहे चाचू टीटी, मैं 4-5 साल का था जब अपने दादा के साथ पहली बार गड्डी में बैठा था, तो उसके बाद आज बैठा हूँ। मेरे दादा ने आधा टिकट लिया, मैंने भी आधा टिकट ले। अच्छा तारा 5 रुपए और 5 रुपए और बाकी की कीमत? अरे भाई टिकट के पैसे और जुर्माना। अच्छा जरिमाना भी, सदके तेरे, बड़ा कमाऊ ढूंढा है गड्डी वालों ने, जाके किसी होर ने ठग एक दूंगा उल्टे हाथ का। देखो निया तमीज से बात करो, सीधी तरह पैसे दे दो वरना पुलिस के हवाले कर दिए जाओगे। पुलिस के हवाले? या तो बड़े जुलूम की बात, देख रहे चाचू ठीक ठीक कुछ रियायत कर, तेरी घड़ी मेरे पास। मैं कुछ नहीं कर सकता निया, तुम्हें ये पैसे देने ही पड़ेंगे वरना। राय पुलिस का नाम ना लीजो, हमारे हाथ पैर ठंडे पड़ जाने। अच्छा तो फिर निकालो पैसे। या ले भाई तै एक काम कर दे मारा, या 5 रुपए ले, 4 रुपए तय ले लेते, 1 रुपया मान लो वापस। मिया मेरे, मैं रेलवे का मुलाजिम हूँ, रेलगाड़ी का मालिक नहीं, समझे? पैसे बड़ा बदले हाज है, चल एक दे ली। अरे बिल्कुल नहीं भाई। फिर भाई जबरदस्त, चल पॉली छेड़ दे, पॉली छेड़ दे, गुड बाय। ये पकड़ो दीवार टिकट, दूसरा वो रहने दो मेरे पास। अच्छा। और लो ये 54 ये मैं अपने पास से दे रहा हूँ, समझे? चल अल्लाह तने ज्यादा देगा, बेईमानी कराया कर। टिकट आज का भी आधा टिकट लिया है। रमन के खबर आता है क्या पूरा? मैं क्यों लेता इसका टिकट? अच्छा लड़की टिकट दिखा अपना। दे देना मेरा भी आधा टिकट, क्यों मन्ने जलील करावे हैं? लड़की तुम्हारी जात बिरादरी की, तुम्हारे से टिकट क्यों मांगी? एक दूंगा उल्टे हाथ का, मैं के तेरे बाबा का कर्ज देना है। दे देना, देख मेरी इज्जत रख ले, जात बरादरी का ही ख्याल कर ले,
पुलिस आ जाएगी। गद्दी निकालो 8.5 रुपए। ले रे भाई लो। क्या देख ले टिका के तुम्हारे पैसे मत वापस कर दे तो भाई दे 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 ठीक है ना 1.5 रुपया पूरा देख लो। तय कौन है जी छोरी काट मारे पैसे देना अब जे भर दे के मन फसावेगी है सब समझू मैं तेरी बात था एक दूंगा उल्टे हाथ का सीधी धनी हमारे पैसे दे बड़ी बेहतरम है कटारियां मार के हंस के अपने घर का पता भी मारे से पूछेगी पहले मेरे पीछे ही पड़ गई पिछल पैरी। मैं तेरा पीछा कब कर रही हूँ तैं अपने रास्ते मैं अपने रास्ते कि तेरे गांव को भी यही रास्ता जावे तो खुद या रास्ता तेरे ही गांव को जावे एक दूंगा उल्टे हाथ का जो टेटा मुंह करके मारे से बात की जा रास्ता मारे गांव पे जाके खत्म होवे तेरा गांव कहाँ है जहाँ तेरा रास्ता खत्म होवे वहीं से मेरे गांव का रास्ता शुरू हो गई। अच्छा फिर या डंडी पकड़ी मेरे पीछे ना डंडी पकड़ते हैं मैं तो इसी रास्ते पर चलूंगी या रास्ता तेरे बाबा का नाम है खबरदार जो मेरे बाबा का नाम लिया सर एस की तरह चिपक गई है मन ने फिर ली ऊपर 8 रुपए खर्च हो गए तेरा नाना दे देगा मैं पूछता हूँ आखिर आखिर मेरी बेटी कहाँ गई है उसे जमीन निकल गई है इन दोनों को देखो जी हर वक्त उसके कमरे में घुसे रहते थे और अब कहते हैं हमें पता नहीं अरे बोलो बोलो के बोलू सेठ साहब रजिया बीबी ने तो मन ने बोलन जो घर छोड़ा ही नहीं ना वाकई जाती ना या मारी सहमत आती कुछ पता चला जी नहीं मैं उसकी तमाम सहेलियों के घरों से खुद होकर आ रहा हूँ उसका कहीं पता नहीं चला पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है और अखबारों में उसकी गुमशुदगी के इश्तहार भी शाया करवा दिए मैं कह चांद हमारा गांव इलमपुर यहाँ से थोड़ी दूर रह गया लोग ले ले की तरह तने मेरे पीछे लगे देखेंगे तो क्या करेंगे क्या करेंगे मैं भी तो इलमपुर जा रही हूँ इलमपुर हाँ मेरे ताऊ रह गए तेरा ताऊ झूठी जमाने भर की इलमपुर में तो कोई भी ऐसा ताऊ और ताई ना रहे जिसे मैं ना जान लू के ना है तेरा ताऊ का बता ते कोई मेरा थानेदार लागे जो सवाल पे सवाल पूछे जावे छोरी रोने क्यों लगी है चल मन ने माफ कर दी मारी खता माफ कर है? पता नहीं मासी के घर से सवेरे सवेरे किसकी शकल देख के चला अच्छा मन ने पता पड़ गया तै रोटी खाना चाहे देता हूं तेने रोटी भी मैं पता है के ये ले भाई ये ले एक खावेगी के दो खाते क्यों नहीं अच्छा ठहर जाओ या गुड़ भी ले 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 पहले तय खा मैं खा लेता हूं तय कैसा मिले इतना कैद खा ले तो छोरी तय मन ने बड़े फरेबी और मक्कार लगे फप्पे कुटनी फिर झिरका देने लगा है ना मारे से नखरे ना दिखा खा ले रोटी खा ले ठहर जा ठहर जा ले खाल में से पानी लेके जा पहले बाद में रोटी खिलाऊ काम के बगैर रोटी नहीं खान दूंगा मैं
मेरा नाम भी मंदू है, मंदू। रा दिल पर मैं सोचू हूँ जो हम सेठ साहब को बता देवे कि रजिया बीबी मारे कपड़े पहन के फैशन में सो मारने गई थी, तो शायद रजिया बीबी मिल जावे। रजिया बीबी मिले ना मिले, पर तन्ने मन्ने मुलाजमत से जरूर जवाब मिल जाएगा। खबरदार जो एक लफ्ज मुंह से निकाला, तारे पेट में तो एक बात भी ना पचे, अजम ही ना हो गए। हाय हाय, बड़ी अच्छी थी बेचारी, कदी कदी मारी जबान भी बोले थी। के खबर कहाँ होवेगी। तो भाई अपनी पूर, तेरे पाऊ का कहा हाल है जो शहर में। रा रुल्दू, देख तो या अपना ममदू किस पर ही ने उड़ा लाया। यार चिनंगी तो बड़ी जोरदार है। ममदू भाई, या तेरी जरूर है। एक दूंगा उल्टे हाथ का। तेरी तो तेरा जरूर है ममदू भाई की। हमारे दीदो का पानी बिल्कुल ही खत्म हो गया है, दबा हो जाओ। राम अमदू, मैं तो अपनी मासी के घर गया था आदमपुर, यह लुगाई कहाँ से ले आयो। रा भाई ममदू, खमोशी से शादी कर ली, लड्डू भी नहीं खिलाए। इनके कहा नहीं दस, ये नानी बड़ी जोरदार है। एक दूंगा उल्टे हाथ का मोटे आलू, दबा हो जा। शादी कराता ही बदल गया जुल्मी। इब बता, मैं के जवाब दूं तेरे इस ताव को। जवाब देना कोई जरूरी है तो जवाब ना दे। तो तय मेरी माँ को जवाब देगी। हाँ मैं दूंगी माँ को जवाब। यह है मुझे दुखियारे कर्मों मारे की कहानी माँ, अपनी खुशी से अपना घर कौन छोड़ दे है। हाय हाय, बिचारी इस दुनिया में अकेली रह गई। वो उस जालिम चाचा को देखो, खुदा के खौफ से भी ना डरा। इस मासूम का 2000 में सौदा करे था। हाय कोई पूछे उसका मखद से, जुल्मी 2000 में कहता उम्र गुजार देगा। छोरी तेने तो अपने माई बाप की शक्ल भी याद ना होगी। इसे का खबर माई बाप कहाँ हो गए, बता तो रही है कि होल संभालने से पहले अल्लाह मारी की माई बाप खुदा ने प्यारी हो ली है। अच्छा करा काजल बेटी ते भाग आई, कहाँ था मलूक सी छोरी, कहाँ वो बुढ़ा खूसट जिससे तेरा दोज की चाचा तेरा बिया करे था। राम अमदू, तन्ने बहुत अच्छा किया, सब साथ ले आया। रा अति मुंह के सर पर हाथ रखना, बहुत सवाब हो गया रे। मैं कब कमा रहा था सवाब, क्या सवाब खुद ब खुद मेरे पीछे पड़ गया। तय फिक्र ना कर, आज से मैं तेरी माँ, तय मेरी बेटी। और मेरी भाभी, क्यों भाई ममदू। उल्टे हाथ का एक दूंगा ज्यादा बातें करेगी तो समझा ले माँ, नहीं तो फिर कभी के छोटी भाड़ पर हाथ उठावे। रा गुस्सा क्यों करे यार है। रा गुस्सा ना करूं तो क्या लाड करूं इसका, क्या बातें ही ऐसी करे है। माँ दिल्ली ऊपर 8 रुपये खर्च हो गए ने सवाब की खाते, और यदि और खर्च कर दे तू बता माँ, शादी मुफ्त हो गई, नोट खर्च हो नोट। तय कुछ भी बोल लो जा, ईद तो मैं काजल बेटी को अपने पास ही रखूंगी। तय जान मन्ने के, मैं तो इससे घर और खेतों का सारा काम करा के अपनी रकम वसूल करूंगा, मन्ने सूखे सवाब का कोई शौक ना। बोलन दे भैया को, बाकी तो आदत ही ऐसी है, हवा के साथ भी लड़े, मैं तो तेने ही अपनी भाभी बनाऊंगी। इरशाद साहब जी, शेर साहब को जिस्मानी तौर पर कोई तकलीफ नहीं, इनके दिल पर बेटी के जुदाई का बोझ है, इन्हें मुकम्मल आराम की जरूरत है, वो टेबलेट जो मैंने लिख कर दी थी देते रहिए। बहुत बेहतर, थैंक यू। अरे यो क्या करे है, तने तो आटा गुन्ना भी ना आवे। अरे बच्चो तने शर्म ना आई, घर में आते इस गरीब को बैल की तरह काम में जोत दिया। ला बेटी मैं तन्ने बताऊं आटा कितना गुंदा है। तेरी माँ होती तो तन्ने सिखाती कोई काम। फूल गुलाब जैसी पाक वतन की धरती न्यादी, हमका अपनी जान से प्यादी, प्यादी धरती नादी, सोनी धरती
तुम्हारी फूल गुलाबवा जैसी, फूल गुलाबवा जैसी, फूल गुलाबवा जैसी। इज्जत मारी इज्जत जीवे पल पल राज दुलारी, प्यारी धरती मारी सोनी धरती मारी फूल गुलाबवा जैसी। सबका हम दिल जीते प्यार मोहब्बत रीत है मारी, प्यारी धरती मारी ओ सोनी धरती मारी फूल गुलाबवा जैसी, रा फूल गुलाबवा जैसी, फूल गुलाबवा जैसी। पाक वतन की धरती न्यादी हमका अपनी जान से प्यारी, प्यारी धरती मारी ओ सोनी धरती मारी फूल गुलाबवा जैसी। ये लोग कितने सादा दिल और जफाकश हैं, इनकी जिंदगी कितनी पुरसुकून है,
इनके दिलों में कितनी सच्चाई है। ले पी का देख, आज इसने कैसी मजेदार लस्सी पिलोई है। सवेरे सवेरे झूठ ना बोला कर, तन्ने बलोई होवे। हाँ हाँ, तन्ने तो हर काम में अपनी बहन का हाथ ही नजर आवे है। मैं तो गैर हूँ ना, एक बोल बोल पड़ी ना अगली। बोल जेते रोब जमाना भी सीख गई। ले ममदू भाई, अब लस्सी तो पी। है तो जेते बड़ी मजेदार है, तेते घने काम करने लग पाई। राम अंतु, नजर न लगा दियो मेरी बेटी को। अरे मेरी नजर के लगेगी माँ, जेते आप नजर बट्टू है। घूरे क्या है, झूठ कहूँ? राम अंतु, इस तो इसके नए लीड़े बनवा दी। है के कह रही है माँ, मेरे पास फालतू पैसे ना है इसके लीड़े बनवाता फिरू। इभी तो पिछला हिसाब भी बाकी है, 8 दिल्ली ऊपर 10 रुपए खर्च हो गए। इभी कह रहा था दिल्ली ऊपर 8 8 ठीक कह रहे, मारे से भूल हो गई। तो क्या हो गया ममदू भाई, ज्यादा कंजूस ना बना कर। तैं अपनी सखावत अपने पास रख, मैं क्यों बनाऊ इसके लीड़े, यहां मेरी के लगे। तैं इसका के लगे जो घड़ी घड़ी थानेदारों की तरह उस पर रोक जमावे। रहन दे माँ, नहीं बनवाता तो मैं अपने कपड़े दे दूंगी इसे। तैं अपने कपड़े क्यों दे देगी, जा कंजूस खुद बनवा के देगा। मेरी बेटी नए कपड़े पहन के मेले में जावेगी। अच्छा रहन दे माँ, बनवा दूंगा इसने भी नए लीड़े, तब माँ बेटी मिलके। मैं समझ गया, मुझे गरीब मार करो। और मेले वास्ते जेब खर्ची दे दूंगा, वो भी मेला तो आन दे। इसके ये अभी देख लूंगा, ये मेरी तरह मेले में ठुमका भी लगा सके कि नहीं। राम अम्दू भाई, मैंने इसे तेरे मुकाबले के ठुमके ना लिखवाए तो मैंने अपनी बहन ना कही। जा जा, एक दूंगा उल्टे हाथ का, या के मारे सामने ठुमका मारेगी। मारी रीस करने वाला इस पूरे गांव में एक भी ना है, हो वे तो ले आ। काजल, मारा मेला कैसा होवे, रात को तने ठुमका भी दिखाऊंगा। ममदू भी ठुमका तो यहाँ भी ऐसा दिखावेगी कि तैं याद करेगा। मैं तो याद कर ही रहा हूँ, दिल्ली ऊपर 8 रुपए। ना भाई जल्दी से अपनी तोप लाइयो, बाने मान मारे मारा का जुमन निकाल दिया, हमारी इज्जत बचा ले। रच्चा बल रोटी के आई क्यों था मार खाना आस्ते, एक रंजवानी पे मान था। चल फिर देख मारी तोप के भी कर तक सोचना, चुम्मी ही लैंड को मेरे चोरी छोरियो ऊपर चलो।
है हमारी नवासी, उसके बगैर हमारे लिए सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। अगर वो ना मिले तो कयामत के दिन हम अपनी मरहूम बेटी को क्या मुंह दिखाएंगे? मिल जाएगी, आप फिक्र ना करें सेठ साहब, मैं दिन रात उसे तलाश करने में मसरूफ। अब तो तुम्हारी तसल्लियां भी हमें झूठी लगती है। आप मुझ पर इत्मीनान कीजिए सेठ साहब, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पुलिस के अलावा मैंने कई खोजी इस काम पर लगा रखे हैं, जो आस पास और दूर दराज के देहातों में रजिया को तलाश करने में मसरूफ है। खूब, बहुत खूब। तो भाई ममदू, जनानी तो बड़ी जोरदार मारी है तूने। के मटक मटक के आ रही है, तने खबर ना आए रोटी में देर हो जावे तो मेरी भूख ही मर जावे। तने ज्यादा भूख लगा करे ना तो थोड़ी सी घास खा लिया कर। मैं तेरी तरह घोड़ी ना हूँ, एक दूंगा उल्टे हाथ का, ज्यादा जबान चलावेगी तो जबान जोर हो गई है। दे मने रोटी, अलहदा अलहदा करके ले आया कर रोटी। तो छोरी, ये सात रोटियां किसके खातिर लाई है? हाँ मने बैल समझे क्या? मैं तो छह रोटियां खाऊं। निकाल ले नागिन मारे, तेरी नीयत नहीं भरी, इतनी रोटियां ठूस के आई है। फिर रोने लगी अपने कर्मों को, मैंने कोई तोप तो नहीं मार दी तने? इसमें मेरी भी तो एक रोटी है। तेरी भी रोटी है? तो तालियों क्यों ना फूटी कि मेरे गेल रोटी खाने के वास्ते अपनी रोटी भी ले आई है। ले गरम रोटी ले ले, रो मत, बड़ा शौक है मेरे साथ रोटी खाने का। हाँ प्याज ज्यादा न खा, बड़ी गरम होवे और आजकल महंगी भी हो गई है। तैं तो हर बात पर ठोके हैं। अच्छा अच्छा, ज्यादा गुस्सा ना दिखा मन ने। भगवान खा ले रोटी, पेट के खातिर दूसरे की दो बात ना भी सहनी पड़े। रकाजल, मन्ने सच सच बता, तेरा अगला पिछला के है, कौन है? मन्ने माँ को सब कुछ बता दिया। रमा की भी भली कही, वह तो तेरे झूठ को भी सच समझे है। और तैं मेरे सच को भी? तैं मन्ने बुद्धू समझे, बेवकूफ समझे, उनमें लिए फिर तेरी जैसी चक्कर छोरियों को। देखियो कोई गुठाई ना ले जावे तार की, आजकल छोरियां छोरों से ज्यादा तेज हो रहे हैं। रजा रिजा, एक दूंगा उल्टे हाथ का, हमारे को बदमाश समझे है। वाह भाई वाह, गुच्छा तो बड़ा ही जबरदस्त है इसका। लोग ठीक ही कहे, जनानी जोरदार, बाकी मारी किस्मत। बस कर बेटी, अल्लाह तन्ने खुश रखे, तैं भी सो जा, थक गई होगी। ये भी मन्ने नींद नहीं आ रही माँ, यार तन्ने दागने की आदत भी खूब पा दी मन्ने। जा कर चल बेटी, रस हो जा जाके। अरे सुनियो, एक प्याला पानी का पिला दे, तैं भी कदी सबाब कमा लिया कर। हम तो सबाब कमा ही रहे।
राज सांस तो लिया कर। मन्ने तेरी तरह सांस की बीमारी ना है। काजल होश कर, क्या हुआ? कुछ नहीं,
ख्वाब में डर गई थी। घने ख्वाब ना देखा कर, एक दूंगा उल्टे हाथ का, कच्ची नींद ठा दिया मन ने, सो जाओ दोनों के दोनों। थैंक यू ज्यादा ममदू भाई, इसने भी तेने खा में चूंडी बांट दी थी। ज्यादा बात ना कर, सो जा चुड़ैल के। एक की भी शक्ल नहीं मिलती। अरे गांव की खुरानियों, हमारे दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा। बहु, वही कान, वही नाम, वही नक्शा आए। मर्दूद के देख के पराई जनानी को। मेरी बात तो सुने चौधरी साहब। तेरी बात तो मैं बाद में सुनूंगा, पहले मेरी बात सुन। क्यों घर वालों को बत्ती से कटते है, उसमें तो कभी नहीं गए अपने ताऊ को। मेरे पास क्यों गर्मी छा रहे हैं? मन ने तो उस मर्दूत को जब देखने आके एक दिया उल्टे हाथ का। तेरे भी एक ही दूंगा उल्टे हाथ का, जा काम कर बेशरम, मेरे पैसे पूरे कर। चल। क्या कह रहे हो जी? ये कैसे हो सकता? जनाब मैंने उस लड़की की शक्ल को इस तस्वीर से मिलाकर देखा। जो कुछ तुम कह रहे हो वह सच निकला, और ये लड़की हूबहू रजिया की हम शक्ल निकली तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। हाथ कंगन को आरती क्या, आप जैसों को फारती क्या। चलिए आप चलकर खुद देख लीजिए। तुमने अच्छी तरह से करीब से देखा था? हाँ जनाब, आपने जो नयन नक्श बताए थे, जो कद कार्ड बताया था, वो लड़की उस नाक नक्श की हूबहू तस्वीर है। अगर ऐसा है तो हम उस बूढ़े सेठ को इस नकली तस्वीर के शीशे में जरूर उतार लेंगे। मैं के छोरियां बेचू हूँ, होश के नाखून ले बाबू। ये तय मेरे खेत में ना खड़ा होता तो जमीन में गाड़ देता तुमने। एक बूढ़े की जिंदगी का सवाल है चौधरी साहब, मैं जिम्मेदार ना हूँ किसी बुढ़े की जिंदगी का। मरता मरन दे सुसरे को, तय अपनी खैर मना, आज तय ना मर जाइयो मेरे हाथों। जनाब नाराज क्यों होते हैं? क्या मैं मारी जनानी को मार, ऐ भड़वा सब छोड़ दीजिए चौधरी साहब। सुसरो यही तो वो लड़की है जनाब। जिया। कौन है जिया बाबू? तेरा दिमाग तो खराब ना है जो रात चलती पराई जनानी का नाम पूछे है। मेरा नाम काजल है, काजल। सिद्धि तरियो चला जा, नहीं तो ये तुंगे उल्टे हाथ का। हाँ यहाँ हर एक के हाथ उल्टे चलते हैं, माफ करना मुझे कुछ शुबा हो गया था। बुलाऊं अपने मर्द ने जो तेरा शुबा मिटावे। भाई ममदू बोलना दरवाजा। कोई चारा कर ले, वो गाड़ी वाले सारी बाबू जबरदस्ती तेरी जनानी को गाड़ी में डाले। कक्के तबे सुच रहे तुरस कहूं मैं। अब पढ़ियो Thank you.
में है, किसी बेद हकीम को बुला लो। मन्ने दो, मेरे ममदू के पास जान दो। हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। रा बड़ा मत पिछल पैरी। अरे लड़ो नहीं, इसमें तुम्हारा भी फायदा है और तुम्हारे मर्द का भी। तुम्हें इतना रुपया देंगे कि तुम साथ वाले खेत भी खरीद दोगी। बेहतरी इसी में है रजिया कि इनकी बात मान ले। इस तरह तो अपने नाना के करीब भी रह सकेगी और इन लोगों के फरेब से भी पूरी तरह वाकिफ हो जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे गम में तेरा नाना मर जाए। अगर नाना मर गया तो तुझे भी उम्र भर रोना पड़ेगा। क्या सोच रही हो छोकरी? ठीक है ना? ठीक है, तब मन्ने रुपये दो, मैं जाके अपने ताऊ के बेटे ममदू को रुपया दूंगी। वाह, मेरा मर्द है, उसी के साथ मेरा ब्याह होगा। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा ब्याह बड़े ठाट बाट से होगा। हम तुम्हें इतना रुपया देंगे कि तुम दोनों माला माल हो जाओगे। लेकिन पहले चंद दिनों के लिए तुम्हें सेठ की नवासी रजिया बनकर सेठ के घर में रहना पड़ेगा। तो फिर जल्दी से ले चलो मन्ने उस नाना के घर। अभी नहीं, पहले तुम्हारी शहनी जैसी शक्ल सूरत बनाएंगे, तुम्हें कपड़े पहनना सिखाएंगे, फिर तुम्हें पूरी मेम साहब बना देंगे। राम मेम साहब? मन्ने मेम बनावेगी तो और क्या। तो फिर जल्दी बना दो मेम। ले चलो अपने नाना के घर। हमारा नाना नहीं, अब तुम्हारा नाना है। तो फिर थरक के लगे दादा। अरे आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। मेरा मर्द बड़ा जालिम है, वह आ गया ना तो तन्ने भी सब कुछ मालूम हो जाएगा। जरा सा टुकड़ा खा ले रहा ममदू, तन्ने सवेरे से कुछ नहीं खाया ना। मां मैंने भूख ना। ममदू भाई, तेरा उसके बगैर इतना उदास हो रहा है तो तने उसका पीछा क्यों नहीं करा? मैं पीछा तो करा था बेटा। इब घर में बैठे बैठे का करे, जा उसका पीछा कर, उसे ढूंढ। ज्यादा बात ना कर, मैंने सोच रहे थे। रा ठीक ही तो कह रही है, इब मारे सिवा उसका दुनिया में है कौन? केवर बिचारी पर कितना जुलम हो रहा होगा। रा मैं तो कहूँ इब भी कुछ नहीं बिगड़ा, जा उसने जाके ढूंढ ला। माँ मैं उसने कहाँ ढूंढू? शहर माँ और कहाँ। तैं तो ऐसे कह रही है जैसे शहर का कोना कोना मैंने देखा हुआ। उसने ख्याल होता तो खुद ना आ जाती। रा खुद कैसे आ जाती, वहाँ का अपनी खुशी से गई है, हर बात का दोष उसी पर देवे। अच्छा अच्छा खत्म कर अपनी तकरीर, मैं क्यों जाऊँ? वह मेरी कह लगी थी। तो फिर बुद्धी लटका क्यों बैठा, चल उठ अपने काम पर जा। काम मालिक का दिल ना लगे। जब से वह गई है खाना पीना छोड़ रखा है और इब कहवे है वह मेरी लगे थी। कह क्या मुसीबत है, साड़ी बांध कर ऐसे नहीं चलते। मेरी तरफ देखो, देखो ऐसे चलते हैं, अब तुम चलकर दिखाओ। मन्ने थारी तरियो कूले मटकाने ना आवे। थारी तरियो नहीं, तुम्हारी तरह कहो। तुम्हारी तरह, वेरी गुड। यार तुमने के पहना दिया मन्ने, कभी औरत भी पजामा पहने हैं। ये नाम है इसका बेल बॉटम। बेल बॉटम, बेल तो समझ में आ गया, पर ये बॉटम के बला है? ये दो अलग अलग लफ्ज नहीं है, एक ही लफ्ज है, बेल बॉटम। ये तुम्हारा पजामा है ना? हाँ। नीचे से इसकी शक्ल घंटी की तरह है, अंग्रेजी में से लोग बेल बॉटम कहते हैं। जब भी तो मैं कहूँ कि इसे पहनकर मेरे तन बदन में घंटिया से क्यों बजे हैं? ओफ, फिर अपनी जुबान में बोली। चलो यहाँ बैठो। इस पर बैठ के थारी जुबान में बोलूं? माफ करियो, क्या इसे बोलूं? माफ करियो नहीं बाबा। हाँ कहो। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी अभी नहीं। Thank you.
शुरू करो। या हिजड़ों वाला काम मारे से ना होवे। ये हिजड़ों वाला काम नहीं है, बड़े लोगों का फैशन है। अच्छा बाबा, थारे तो फैशन ही खत्म ना होवे, रंदिया ने फैशन नू। चलो तुमने तो कमाल ही कर दिया, इसकी तो काया ही पलट गई। के बके है रे, काया पलटे तेरी, तेरे अगले पिछलों की। विल्मा, what is this? फिर वही गवारे वाली बोली। Oh, I am sorry. Very good. और तो सब काम ठीक हो गए, एक जरूरी बात रह गई है जो रजिया के करेक्टर की हाईलाइट है। रजिया गाड़ी बहुत तेज चलाती थी, पर कोई बात नहीं, गाड़ी चलाना इसे मैं सिखा दूंगा। लेकिन मोटर सीखने के लिए तो ये बिल्कुल तैयार नहीं। ना पापा ना, मोटर की तो पोपो से ही मेरा खून खुशक होवे है। खून खुशक नहीं होता, खुशक होता है। रा, किसका खून खुश होता है? थारा? थारा नहीं, तुम्हारा। चलो तुम्हारा ही सही, लेकिन मैं कार चलाना नहीं सीखूंगी। अच्छा बाबा, तो ना चलाना, हम उस बुड्ढे को कह देंगे कि इसने गाड़ी का एक्सीडेंट देख लिया था और कार चलाने से तौबा कर ली। खुशी डियर, हम रजिया को आज क्लब लेकर जाएंगे और इससे वहां डांस करवाएंगे। जरूर, मैंने इसे नाच गाने में परफेक्ट कर दिया है। ये टुकड़े गरीब
राम का दिखावे आंख बापुनी मथिरा भरी सी मथिरा भरी सी। ले ममदू भाई ते रोटी खा मैं पानी ले। रा बैठा के सोचे ते रोटी ना खावेगा काजल याद आ गई ना। मन ने क्यों याद आती काजल? देख ममदू बीर इब जे मक्कर फरेब छोड़ दे मैं सब जानू हूँ ते उसके बगैर नहीं रह सकता। पर क्यों नहीं रह सकता रह तो रहा हूँ। जिद ना कर जाके ढूंढ ला उसने ते ने काजल। तो या के कसम दे दी मन ने इतनी बड़ी कसम ना दिया कर। ते एक बारी सह जा जी। सेठ साहब दारू लिया किसी दुआ की जरूरत नहीं हमें हमारी बच्ची से मिला दो। हमारी रजिया कहाँ है? सेठ साहब रजिया मिल गई। रजिया मिल गई कहाँ है वो? आप जरा मेरी बात तो सुन लीजिए। जल्दी बोलो वो कहाँ है किस हाल में है? तुम उसे साथ क्यों नहीं लाए? साथ कैसे लाता सेठ साहब वो तो डाकुओं के कब्जे में है। कब्जे में है? काजल तुम जाओ। बात यह है सेठ साहब कि जब वो घर से भागी तो उसे डाकुओं ने पकड़ लिया और अब वो उसकी वापसी के लिए 5 लाख रुपए का मुतालबा कर रहे हैं। वो जिंदा तो है ना? खुदा का शुक्र है खूब नहायत खूब। चलो हम अभी चलकर उन्हें 5 लाख रुपए दे देते हैं। वो तो हमें जिंदगी से भी प्यारी है। क्या सोचने लगे हो? आपके जाने से काम बिगड़ जाएगा। क्यों? डाकुओं ने धमकी दी है कि अगर किसी दूसरे आदमी को साथ लाए या पुलिस को खबर कर दी तो वो रजिया को जान से मार देंगे। अच्छा अच्छा तुम जल्दी से ब्रीफ केस में से चेक निकालो और इसे कैश कराकर फौरन हमारी रजिया को ले आओ। अच्छा देख लो जानेमन हमारे ड्रामे के पहले शो की आमदनी पूरे 5 लाख। इसमें से 2 लाख के जेवर मुझे बनवा दो। अरे जेवर क्या मेरी जान तुम चाहो तो इन नोटों का हार बना कर पहन। अगर हमारा तीर चल गया तो वो बुड्ढा बहुत जल्द कंगाल हो जाएगा और हम करोड़पति। तुम जल्दी से उस छोकरी को तैयार कर दो उसे साथ लेकर जाना। अरे तुमने और विल्मा ने तो कमाल कर दिया। उस कंवार लड़की को ऐसा ट्रेन किया है कि एकदम मॉडर्न बना दिया। अब तो वो नौकरों की आदतों से वाकिफ हो गई है और सेठ के मिजाज को भी खूब समझ गई। वो पैसों के लालच में सब कुछ सीख गई। मेरी बेटी मेरी बच्ची तू हमें छोड़कर कहाँ चली गई थी? ना तो घर से निकलती और ना तुझे डाकू उठाकर ले जाते। देख तो तू कितनी दुबली हो गई है। अब हम तेरी शादी तेरी मर्जी से करेंगे। मुझे माफ कर दीजिए नाना जान मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ पहुंची है। नहीं नहीं हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं इरशाद। मैं तो आपका नमक खायर हूँ गुलाम हूँ सेठ साहब नौकर। खूब नहीं खूब मेरी बच्चे तेरे बगैर ये घर वीरान हो गया था। ले अनाम जामिन बांध ले पहली दफा क्या जा रहा है अल्लाह तन्ने अपनी अमान में रखी। ममदू भाई इब जा रहा है तो काजल ने साथ लेके आई हो। और के मैं सर धूल फाकन जा रहे हैं मिल जाएगी तो छोड़ दूंगा। इब के रेलगेड़ी में से कुछ हो ना पकड़ लाइयो। रेक दूंगा उल्टे हाथ का ज्यादा बात करेगी तो। मन ने जनानिया पकड़न का कोई शौक ना है। दे मां मैं चले। हाय हाय बीबी जब मन ने यो खबर सुनी कि तुमने डाकू उठा के ले गए तो मेरे पैरां तले की जमीन निकल गई। मेरा तो खून खोल गया था। तू गिरी नहीं तेरा माथा नहीं फूटा? रहा बीबी तुम तो मजाक समझो। नहीं नहीं मुझे पता है तू मुझे बहुत प्यार करती है। और हम तो जैसे किसी गिनती में ना है खबर भी है मैं कितना रहूं था। रो रो कर तो तेरी आंखें सूज गई है दिलबर। बीबी डाकुओं ने तुमने छोड़ा कैसे? नाना जान ने 5 लाख रुपए दिया है डाकू। 5 लाख? अरे तेरे क्यों गस खान लगा 5 लाख
रुपया तो सेठ साहब का गया चूल्हे में पड़ो 5 लाख। बीबी सेठ साहब तो तारे बगैर मरण के करीब हो गए थे, पर बीबी एक फायदा हुआ, इब तारी शादी उस मुंडी टूटे और साहब के गैल नहीं होगी। यो थारी बात सोड़ा हमें। देखा मैं इनसे ऐसी बात तक करूं कि इनको सुबह ना होवे। गुड, वेरी गुड। प्लीज शहरी जबान में बात करो, कहीं तुम्हारे नाना को शुभ ना हो जाए। रात है, मेरा नाना थोड़ी है, मैं तो तेरे से बात कर रही हूँ। ओहो, इस घर में मुझसे भी इस तरह बात न करो, तुम समझती क्यों नहीं? देख ज्यादा पाबंदी ना लगा, नहीं तो सारा भांडा फोड़ दूंगी और बुला लूंगी अपने मर्द को, वह एक देगा उल्टे हाथ का। आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी, माफ कर दो। ओके, ये बताओ और यहाँ कितने दिन लगेंगे, रुपए कब मिलेंगे? उधर मेरा मम तो मेरे बगैर उदास हो रहा होगा। प्लीज थोड़े दिन और इंतजार कर लो। अच्छा अच्छा, अब घर जाकर अपनी बीबी से बातें कराऊं और यहाँ मैं अपने लवर ममदू को याद करती हूँ। समझे थारे मन ने शहर का रास्ता ना आवे, ता कहाँ है काजल और कहाँ है तेरा वो शहरी गुंडा। जनाब तमीज से बात कीजिए, ये शहर है गांव नहीं, एक सेकंड में पुलिस के हवाले कर दूंगा। पुलिस का नाम तेरे मन ने बता, काजल का बता, तेरी तो है काजल बता सुचरे। गुंडे, अरे चौधरी साहब आप कब आए? यो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले मन ने यह बता अपनी मामी को ठाके क्यों लाया बदमाश? जरा आराम से मेरी बात तो सुन लीजिए चौधरी साहब। अरे बाद बाद में चौधरी साहब, बाद में गया बाद में, मैं तो तेरा खून पी जाऊंगा। सुनो तो सही। चलो सुना सुना, क्या कहते? मैंने तो काजल को सब कुछ समझा दिया है, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि यहाँ आ गए हो। इनसे पूछ लो, मैंने तो इन्हें अपनी बहनों की तरह रखा हुआ है, थोड़े दिनों की तो बात है, फिर मैं तुम दोनों को इनाम देकर वापस भेज दूंगा। रा नाम के बच्चे, मन्ने नहीं चाहिए तेरा नाम, मैं इसने वापस लेने आया हूँ और इभी लेके जाऊंगा। हाँ हाँ ठीक है, मैं तो ममदू के साथ जाऊंगी, मैं तो तेरा बड़ा इंतजार कर रही थी ममदू। अरे खुदा के लिए ऐसा गजब न करना, बड़ी मुश्किल से उस बूढ़े सेठ की तबीयत संभली है, अगर तुम चली गई तो वो बूढ़ा इंसान बेमौत मर जाएगा जो अब तक तुम्हें अपनी नवासी समझकर जिंदा है। ममदू को मना ले, मैं तो इसके पीछे हूँ। हाँ रख ले, रखती है तो रख के दिखा मन्ने। अरे चौधरी साहब, मैं तुम दोनों को मुंह मांगी रकम इनाम में दूंगा, पैसा भी मिलेगा और सवाब भी होगा। मन्ने पैसे का लालच मत दीजो। हाँ सवाब वाली बात सोचने वाली,
ममदू सोच न। ममदू इसने सेठ साहब से पूरे 5 लाख वसूल किए हैं। उनसे कहा है आपकी नवासी को डाकू से छुड़ा कर लाया हूँ। कितने होंगे 5 लाख? बहुत होते हैं ममदू। तो बदमाश तैं ते बड़ा ठग है। खाली सबाब से तेरा गुजारा ना हो बेटा, के करेगा इतने रुपए का? पक्की कबर बनवा देगा। उन रुपयों में तुम दोनों का हिस्सा है, है? कितना? 20,000 ले लेना। हमने 20,000 ते 5 लाख? वार तेरे सदके, ते अपने घर का कितना सहना है रे। कान खोल कर सुन ले, 3 लाख मारे 2 लाख धारे। क्यों ममदू? तय जान तेरे बिहार की बात, मैं हराम का पैसा ना खाऊं। हराम क्यों कवे? या तो हक हलाल की कमाई है। देख कैसा भेज बदला है मैंने। अच्छा मैं 1 लाख देता हूँ, मगर खुदा के लिए अपनी जबान में मत बोलना। 1 लाख कितना होवे? बहुत कम होवे है ममदू। अरे अपने धोरे ही रख अपने 1 लाख रुपए को। चलिए काजल, ये भी मेरे साथ चल। अरे नाराज क्यों होते हैं चौधरी साहब, आप जो कहेंगे वो ही दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, आपको भी वही करना होगा जो मैं कहूँ। अरे तेरे क्या पत्ता, तो के कह दोगे? क्यों रे काजल? चल मान ले 3 लाख रुपए मिलेंगे तो हम बहुत सारे खेत खरीद लेंगे। मेरे पास खुदा का दिया बहुत कुछ है, मन जरूरत ना है और खेत की। चल घर चल। ठहर जा ममदू, एक शर्त मेरी भी है इरशाद बाबू। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। ममदू मेरे साथ रहेगा। हाँ की बोल। ये कौन है? मैं कौन है? अपनी तारीफ बता। नहीं नहीं साहब, इसे रजिया का बॉडी गार्ड रखा है ताकि आइंदा कोई खतरा ना हो। ये तो अकेला ही 100 पर भारी है। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, मगर भाई इसका हुलिया तो तब्दील करो। बॉडी गार्ड का हुलिया ऐसा तो नहीं होता। मैं अपने लीरे लीरे उतार दो। जरा रुकना है, घबराइए नहीं सेठ साहब, मैं इसे एकदम अप टू डेट बना दूंगा। हाँ ये तो बहुत अच्छा करोगे। हाँ रजिया बेटी, मैंने तुम्हारे लिए नए मॉडल की कार बुक करा दी। रियली थैंक यू नाना जान। काजल 3 लाख के लालच में तो काजल से रजिया भी बन गई। केक पिक कर रही थी अपनी नकली नाना से। मन ने कह था थारा शुक्रिया नाना जी। काजल मेरा तो दिल करे तेनू इसी तरह उठा के अपने गांव ले जाऊं। पता है कि माँ और रज्जू भी तेरा इंतजार कर रही है। वह तो ठीक है, पर यह बता तन्ने मेरा ख्याल कैसे आ गया? तैं तो मेरे साथ सीधे मुंह बात भी ना करे था, सारा दिन काम करावे था मेरे से। उस वक्त की बात छोड़ का चल, उस वक्त बात और थी, पर तैं जब चली आई ना तो बात कुछ और हो गई। और बात क्या हो गई? तेरे आन के बाद पता चला रही काजल सबे फुरकत क्या से हो गए। क्या से हुए है सबे फुरकत? किसी प्यारे की जुदाई में फड़कन का नाम सबे फुरकत हो गए। तय किसे अपनी प्यारी समझी है रे? या तय पूछे एक दूंगा उल्टे हाथ, मारे को तड़पा तड़पा के खाना पीना हराम कर दिया। अरे बेबकूफ, तेरे आने के बाद मन्ने तेरे साथ प्यार हो गया, तू बड़ा याद आ बेटी। सारा सारा दिन तेरी शकल मारी आँखों के सामने फिरी थी। और बस सारे भेद ना दूँ। मन्ने सर मारे, मन्ने सर। पूरे 3 लाख में सौदा तय हुआ है, वो गवार को मानता ही नहीं था। दरअसल वो खुद लालची नहीं है, काजल जरा लालची। मगर 3 लाख तो बहुत होते हैं। अरे तुम देखती तो जाओ मेरी जान, देगा कौन? जैसे खाली हाथ आए थे वैसे ही खाली हाथ जाएंगे दोनों।
तुम एक काम करो, उस कंवर को विल्मा से मिला दो और उसे अच्छी तरह समझा दो कि विल्मा उसे अपने हाथ दिखाए। वेरी गुड, मैं विल्मा को सब कुछ समझा दूंगी कि वो ममदू को अच्छी तरह बेवकूफ बनाए। रिका जल, मेरे से ना पहना जावे या फांसी का फंदा, मैं तो याको और फलतून भी उतारू। देख ममदू, तन्ने मेरी कसम। काजल, तय मन ने अपनी कसम ना दिया कर, तय कसम दे के अपनी मन ने शेर से भेड़ बना देगी। रज्जो ने भी तेरी कसम दे के मन ने तेरे पिछू भेजा था। जरा देख, पूरा साहब बन गया है ना। अब जितनी बातें मैंने समझाई है सब याद रखना, जरा भी भेद नहीं खुलना चाहिए, और मेरी तरह बोलना भी सीख ले। तय के समझे, मैंने बोलना ना आवे, चार जमाता पास हूँ, लिया बा उर्दू का कायदा और बगदादी कायदा भी आवे मन। तो कितना अच्छा है बंदा, राय सक में पढ़ के बंदा कहाँ अच्छा रह रहे। वह मिर्जा गालिब दीन था ना, वह कहते था कि इसक पा जोर नहीं है या बात इस गालिब जो लगाए न लगे, और खबरें के कहते था, पता है क्या खाक समझेगी शेर की बात था, तय तक खाली नैना की कटारी मार न जाने है जालिम। थारे नैना बड़े बेईमान हैं, थारे नैना, थारे नैना बड़े बेईमान हैं, थारे नैना बड़े बेईमान है, थारे नैना दिल मा रहते है दिल से ही अनजान है, थारे नैना नैना थारे नैना बड़े बेईमान है, थारे नैना तिहारी कसम मारो मन ले गए, थारे नैनों का काजल तिहारी कसम मारो मन ले गए, मीठी मीठी कसक मारो मन मा उठे दर्द वो दे गए, जब से नैना मिले हम परेशान हैं, थारे नैना बड़े बेईमान हैं, थारे नैना दिल मा रहते हैं दिल से ही अनजान हैं, थारे नैना नैना थारे नैना नैना थारे नैना बड़े बेईमान हैं, थारे नैना। धरने न दे जोरा जोरी कर, गोरे तनवा पे वो हाथ धरने न दे जोरा जोरी कर, बातों बातों में जब वो गले से लगे एक पटाखा चले, देखो छोरी के नैना भी शैतान है, थारे नैना बड़े बेईमान है, थारे नैना दिल मा रहते हैं दिल से ही अनजान है, थारे नैना नैना थारे नैना नैना थारे नैना नैना थारे नैना, अरे थारे नैना नैना थारे नैना, थारे नैना नैना थारे नैना नैना थारे नैना बड़े बेईमान थारे नैना। बदमाशा नु पाल के खाना रईस बने सुथरा कहीं। अरे कहाँ जा रहे हो चौधरी, मैं तो तुम्हें ही मिलने आया था। समझा ले अपने इस बुड्ढे को,
के समझे है अपने आप ने? घना रईस बना फिरे, एक दूंगा उल्टे हाथ का। ओ पर हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। रहोना के था, मैं जरा अपनी जनानी के साथ गाना गा रहा था, वहाँ आके झिड़का देने लगा। अरे मन ने घर से निकाल दिया, मैं तो ये भी ठीक कर देता, वहां काजल ने आंख टिका दी मन ने। कोई बात नहीं चौधरी, तू मेरे साथ चलो, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। मैं अब कहीं नहीं जाने का, अपनी जनानी को भी लेके जाऊंगा, देखूंगा कौन रानी खां रोकेगा, शराफत का जमाना ही ना है। तुम मेरे साथ चलो चौधरी, मैं वादा करता हूँ जो कुछ तुम चाहोगे वो ही होगा। देख जे तन्ने इब के मन ने धोखा देने की कोशिश की ना, तो या तोप है मारे हाथ। तू घबराना, मैं उस बुड्ढे को अभी ठीक कर दूंगा, चलो मेरे साथ। तुम्हारा यार चौधरी, इनसे मिलो, ये है मेरी बीवी रोशी, और ये इनकी सहेली विल्मा, और ये है चौधरी मंदू। कैसे हैं चौधरी साहब? ना थारा शुक्रिया, मैं खड़ा ही ठीक हूँ। खड़े खड़े तो आप थक जाएंगे। तय मेरे साथ खड़ी होकर देख ले, तय थके है कि मैं। अरे इस घर को अपना ही घर समझो चौधरी, और इनको अपना फ्रेंड। फ्रेंड? आज थोड़े दिन यहाँ आराम कर लो, तो जैसे तुम कहोगे ना वैसे ही करूंगा। अच्छा अब मैं तुम्हारे लिए नया सूट लेने जा रहा हूँ। नहीं रे भाई, मन ने लुंगी लिया दे, तार ले, यो 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 तार ले। नहीं नहीं नया सूट, उसके बाद तुम्हें मेरे साथ चलना। कमन रोशन, जो अपने लुगाई नु लेके खा गया। जय चौधरी साहब। रस देख, तेरे तो बड़ी बेशरम है, जो जो मैं परे। ऐसे बैठना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो शहरी जिंदगी का फैशन है। फैशन? फैशन क्या हो गए? आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ समझा लेंगे, पहले मेरे साथ दोस्ती कर ले। अल्लाह इब हाथ भी मलावेगी, ये खाल मेरा छोरी खाल में। क्या बता तेरी शादी हो गई है? नहीं। जब भी होता ना तेरा कोई खसम और देख लेता था नहीं ये हरकत करते, तेरी गुत का बाल बाल कर देते। पर तेरी ते गुती ना, तै तो परकटी कबूतरी दिखे मन्ने। आपको कड़े में बाल अच्छे नहीं लगते? दुर लानत, क्या शकल बिगाड़ रखी है अपनी। पहले कर हाथ, मन्ने गुनाहगार ना कर। आप इतना क्यों घबराते हैं चौधरी साहब? जीते हैं औरत, तैते मन ने कुछ और ही दिखे। तो और में क्या हूँ? तो जान दे उन, क्यों बार बार पूछे है मेरे से? तैं बता तैं क्या चाह रहे? चौधरी साहब आप तो लड़ने को आ रहे हैं, कौन याद आ रहा है आपको? तो मेरी जनानी हो और कौन? जनानी के साथ तो सारी उम्र ही रहोगे चौधरी, आज रहा हमारे में कुछ से जी पहला है? क्या सोचने लगे? अपने बहिष्ठ दादा की बात ठीक कर, जनानियों के फरेब से अल्लाह ही बचा। छोड़ो क्या पुरानी बातें सोचने लगी, ये नई रोशनी है, नया जमाना। आज नहीं कल ले चलेंगे रोशनी, बिल्कुल ठीक है, वहाँ चौधरी साहब की तबीयत भी बहल जाएगी। कहाँ ले चलोगे मन्ने? क्लब नाच कर, बड़ा मजा आएगा। अरे तुम तो नहीं लूट लो मजे जाके, मैं तो पहले ही बड़े मजे में हूँ। नहीं नहीं चौधरी, हमारा दिन न तोड़ो। रायो बेशरम हो, तेरा आदमी कहाँ है, यहाँ का तो खत्म ही ना। अरे बुलाओ ममदू, क्या सोचता होगा, कहीं वो मायूस होकर गांव वापस ना चला जाए। हेलो माय डियर रजिया, रात गजब हो गया, तेरे सेठ ने मेरे ममदू को घर से निकाल दिया है। खुदा के लिए अपनी जबान में मत बोलो, तुम फिक्र ना करो, वो मेरे घर में बड़े आराम से है, दो चार दिनों की तो बात है। हा? जब तुम्हारे नाना का गुस्सा कम हो जाएगा तो मैं उसे फिर यहाँ ले आऊंगा। या भी ठीक है, पर देख माँ मेरे ममदू को कोई तकलीफ हुई ना तो मैं बहुत बुरी तरह पेश आऊंगी। हाँ नहीं भाई, वो हमारा मेहमान है, अगर तुम मेरी एक बात मान लो तो हम सेठ से बहुत रुपया कमा सकते हैं। हाँ बोलो क्या क्या? तुम अपने नाना से कहो कि वो मेरी और तुम्हारी शादी कर दे। तब पागल तो नहीं हो गया, या कैसे हो सकी, तेरी भी लुगाई है और मेरा भी मर्द है। नहीं पगली, ये झूठ मूठ की शादी है, उसके बाद मैं तुम्हें 3 लाख दूंगा, तुम अपने ममदू के साथ कौन चली जाए। मैं ममदू से पूछ कर बताऊंगी, वैसे ते है बड़ा खचरा, शेर साहब को ये भी नहीं बताया कि तेरी पहले भी एक जोरू है। हाँ हाँ, मुझे और मेरी बीवी को रुपए की जरूरत है,
और रुपए की जरूरत तुम्हें भी है। अगर तुम अपने महमदू को रुपए का लालच दोगी तो वो मेरी और तुम्हारी झूठी शादी के लिए जरूर मान जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ, तुम महमदू से जरूर बात करना। ममदू को भी अपनी तरह बेगैरत समझता है। डार्लिंग, बड़ी मुश्किल से मैंने और विल्मा ने उस गंवार का लबास तब्दील करवाया। वो तो पतलून पहनने पर राजी नहीं होता था, मजबूरन उसे सलवार कमीज पहना दी। तुम अभी तक तैयार नहीं, जाओ जाकर तैयार हो और उसे क्लब ले जाओ ताकि हमारी स्कीम कामयाब हो सके। आखे कौन मर गया, रोना पीटना क्यों है? ये रोना पीटना नहीं है, गाना बजाना है। क्या गाना है? मन्ने बेवकूफ समझे, गाना ऐसा हो? तुम्हें गाना आता है? आता क्यों नहीं है, मैं तो अपने गांव में सबसे अच्छा गांव हूँ। मन्ने गा दिया ना तो हम सारे नाचोगे। तो फिर गाओ ना चौधरी साहब। ना रे छोड़, मन्ने शर्म आ, तुम्हें अपनी काजल की कसम गाओ ना। रिया के कसम दे दी मन ने, इस कसम ने तो मन ने पहलो ही मार रखा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम आपके सामने एक नई आइटम पेश करते हैं। लोग यहाँ के भूल गयो अपने देश की बोली, धोती पहने में मुके कपड़े छोड़ के लाता चोली। कोई मैं झूठ बोलिया, कोई ना कोई मैं कुफर तोलिया, कोई ना भाई कोई ना भाई कोई ना। लोग यहाँ के भूल गयो रे अपने देश की बोली, धोती पहने में मुके कपड़े छोड़ के लाता चोली। ना हाथों में प्यार के कंगना, ना कानों में झुमका, तक दिना दिन दिना दिन तक दिना दिन दिना दिन गाए रे जियरवा, नाचे रे जियरवा, इंग्रज बाजे बे लगाऊ ऐसा ठुमका। पै तक दिना दिन दिना दिन तक दिना दिन दिना दिन अपनी पीपी, तेने कोई दुश्मनी ते नहीं मारे से। बदले गाए मोरख लादा दीदी दार। कोई मैं झूठ बोलिया, कोई ना कोई मैं कुफर तोलिया, कोई ना भाई कोई ना भाई कोई ना। भूल गए अपने गीतों को पी के देसी दारू, हीर के बदले गाए मोरख लादा दीदी दारू। अपनी समझ में आए ना भैया हाल का होएगा वह तुम का। भाई तक दिना दिन दिना दिन तक दिना दिन दिना दिन गाए रे जियरवा, नाचे रे जियरवा, इंग्रज बाजे पे लगाऊ ऐसा तुम का। भाई तक दिना दिन दिना दिन 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 तक दिना दिन। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता कि इसका क्या इलाज करें।
आकर उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करते हैं तो डर लगता है कहीं फिर घर छोड़कर ना चले जाए। मगर अंकल अब तो हालात बिल्कुल बदल गए हैं, रजिया मुझसे बहुत घुल मिल गई है, मुझे यकीन है कि अब उसे मुझसे शादी करने में कोई इतराज नहीं होगा। खूब नहीं खूब, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, हम किसी दिन उससे बात करेंगे। जरूर बात कीजिएगा अंकल, मैं रजिया से मिलकर आता हूँ, वो मेरा इंतजार कर रही है। खूब खूब नहीं खूब, तो इसका मतलब है उसने तुम्हें घास डाल दी है। हेलो रजिया। शत बाबू, मंदू कैसा है, क्या हाल है इसका? बड़े मजे में। अच्छा? जी हाँ, रोजाना क्लब जाता है, क्लब की सारी डांसर लड़कियों से दोस्ती कर ली है, रात भर नाच गाने और शराब में मस्त रहता है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरा मंदू ऐसा नहीं कर सकता, तुम झूठ बोलते हो। यकीन नहीं आता तो मेरे साथ खुद चल कर देख लो। मैं जरूर जाऊंगी। और हाँ सुनो, सेठ मेरी और तुम्हारी शादी के लिए मान गया है, अब अगर वो बुढ़ा तुमसे पूछे तो इस शादी से इंकार ना करना। बड़ा भार में गई शादी, पहले मैं अपने मर्द को तो देखूं, उसे शहर की हवा कैसे लग गई। खूब है, जरूर देखो, शौक से देखो, तुम अपने ममदू के रंग ढंग देखकर हैरान रह जाओगी। रज्जो, ममदू तो शायद जाके बैठ गया, ना कोई खबर ना खैरियत, खुदा खैर करे। तू फिकर ना कर माँ, वहाँ कोई बालिक थो रही है जो शहर में जाके गुम हो जाएगा, देख लियो वहाँ काजल को ढूंढ के ही लावेगा। अल्लाह करे मेरा ममदू जल्दी से घर आ जावे। लो चौधरी, क्या याद करोगे, पियो। रजा के चीज है, मन ने तो शराब दिखे, मैं हाथ ना लाऊं इस हराम चीज को। चौधरी साहब, ये तो शराब नहीं है, ये तो विस्की है। विस्की? विस्की? वाकई चीजों में शहर में शरबत को विस्की कहते हैं। हाँ शरबत, पहले क्यों नहीं बताया मन ने, इब लगते गर्म भी हो गया होगा। राम खोरो, ये कैसा शरबत था, कड़वा जाए, जामे से तो बदबू आवे। जरा सा पी कर तो देखो चौधरी, थोड़ी देर में खुशबू आने लगेगी। अरे ये शरबत इसलिए कड़वा है चौधरी साहब कि इसके पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं, इसमें दवाई है। अच्छा इब मैं समझा, जब ये तो कड़वा है, पर एक दो घूंट से मेरे जैसे गबरू जवान के पेट के कीड़े कैसे मरेंगे? इससे ज्यादा तुम हजम नहीं करोगे चौधरी। के? हजम नहीं कर सकोगे? रजा रे, हजम नहीं, एक दो उल्टे हाथ का तो हजम कर सकती है? नहीं मैं कर। अब कोई खड़ा मंगा, पी के दिखाऊं तन में। अभी मंगवाता हूं। मंगा न के उसने रावरे को बुला रहा। अरे बेटा, रजिया बेटी। कहाँ जा रही हो? नानाजान मैं क्लब जा रही हूँ, वहाँ कोई फंक्शन है, शायद ने मुझे बुलाया है। वो नहायत खूब, नहायत खूब, लेकिन बेटी जरा गाड़ी एहतियात से चला। नानाजान मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊं? सुनाओ सुनाओ सुनाओ। मैंने गाड़ी चलाने से तौबा कर ली है, अब तब खुश है ना? नहीं। ड्राइवर मेरे साथ जा रहा है और गाड़ी भी वही चलाएगा। ओके बाय। ले मम्मू, मैंने जानती, मैं पता तो करूं बात के है, कहीं वो इरशाद का बच्चा सेठ को मारे खिलाफ ना कर दे। देख रही का जल बैठी रहे, मैं तो निकल ली नहीं जान दूंगा। घबराता क्यों है ता? मैं को बच्ची थोड़ी हूँ, ते बैठ, मैं इभी आई। बैठी रहना, थोड़ी सी बात तो होर कर। क्या हुआ हमारे फेफड़ों को? अरे हम पागल हैं,
है क्या? मैं तो कहता हूँ तुम सब लोग पागल हो। अगर यकीन ना हो तो वो मैगजीन देख लो जिसमें हमारी वो फराज नमाजी की तस्वीरें छपी हैं उस गवार के साथ। कहाँ है वो मैगजीन जिसमें एक देहाती जिंदगी के मुताबिक एक फीचर छपा है? जी वो क्या नाम है जी उसका? कौन सा मैगजीन है? कौन सा मैगजीन है? कमाल है। अरे हाँ खानदा साहब, जरा आप बताइए उसका नाम। आप तसल्ली रखिए सेठ साहब, आपको मैगजीन का नाम याद आ जाएगा। अरे तो क्या हमारी याददाश्त खराब है क्या? हम पागल है खूब निहायत खूब। सेठ साहब छोड़िए उस मैगजीन को, खुदारा अपने आप को संभालिए, इसमें आपकी और आपके खानदान की रुसवाई है। तुम हमें सिखाते हो जी? मैं कहता हूँ दफा हो जाइए यहाँ से, सब लोग यहाँ से निकल जाओ, हमें तनहा छोड़ दो। खूब निहायत खूब जी डॉक्टर साहब। मिस्टर शाह केस बहुत सीरियस है, आप सेठ साहब को लेकर फौरन मेंटल हॉस्पिटल चले जाइए और किसी ब्रेन स्पेशलिस्ट को दिखाएं। ऐसा ना हो कि इनके दिमाग की कोई रग फट जाए। ओ आई सी, डॉक्टर प्लीज हेल्प मी, आप और थानेदार साहब इन्हें लेकर हॉस्पिटल चलिए, मैं मिस रजिया को लेकर अभी आता हूँ। फैमिली को आज से बल्कि बड़ी मुद्दत से जानता हूँ और इनकी नवासी रजिया से मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार है। डॉक्टर साहब मुसीबत तो यही है कि वो लड़की हमारी नवासी नहीं है बल्कि वो धोखेबाज है। आपने शायद अपनी नवासी के बारे में ये राय इन तस्वीरों को देखकर लाई की। जी हाँ जी हाँ, खूब निहायत खूब। भला बताइए इससे बढ़कर क्या सबूत हो सकता है उस लड़की के फ्रॉड का? बात दरअसल ये है कि जब हमने पहली बार ये तस्वीरें देखी थी तो हम भी चौंक गए थे। नाचे मैंने फौरन आपकी नवासी रजिया को टेलीफोन किया। रजिया फोन पर मिली, मैंने उससे उसकी खैरियत दरियाफ्त की, फिर उससे पूछा कि वो कब आई है। वो जवाब में हंसने लगी। मैंने उसे अपने पास घर बुलाया। जब वो मुझसे मिलने आई तो मैंने उसे रिसाला दिखाया। वो इन तस्वीरों को देखकर हंसने लगी। फिर उसने मुझे सारी रुदास सुनाई कि वो किस तरह अपनी मुलाजिमा के कपड़े पहनकर घर से निकली और ट्रेन में उसे एक नौजवान शरीफ देहाती लड़का मिल गया। वो उसके घर पहुंच गई, इरशाद ने उसे वहां देख लिया और बेहोश करके उठा लाया। रजिया जानबूझकर देहाती लड़की बनी रही क्योंकि वो इरशाद उसकी बीवी रोशी और विल्मा की सारी स्कीम समझना चाहती थी कि किस तरह वो सेठ साहब की दौलत पर कब्जा करना चाहती है। सच पूछिए तो रजिया ने अपने आप को बहुत बड़े खतरे में डाला हुआ है। जब आप तफसील से सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो इंस्पेक्टर साहब खुदा के लिए मेरी बच्ची को उस दरिंदे के चुंगड़ से बचा लीजिए। डॉक्टर साहब मुझे पूरी तफसील बताइए। रोशी डियर, मेरी चाल बड़ी कामयाब साबित हुई है। डॉक्टरों ने उस बुड्ढे को पागल डिक्लेयर कर दिया है और पुलिस उसे मेंटल हॉस्पिटल ले गई है। तुम जरा होशियारी से काम करो, मेरे घर आने से पहले पहले उस देहाती को जाहिर में जाहिर मिला। हाँ हाँ, उसका बंदोबस्त भी कर लिया है, वो लोग आसानी से उसकी लाश को ठिकाने लगा देंगे। ओके काजल, सुनो। हेलो बांके, चार पांच आदमी लेकर फौरन मेरे बंगले पर पहुंच जाओ। हाँ हाँ, बहुत जल्दी। हाँ जल्दी आ जाओ। तो ये काजल नहीं रजिया है। एक कप चाय पी लो। रे एक तो तुम शहर वालों ने चाय पिला पिला के मार दिया, लस्सी पीना ना आवे तुमने। एक बात बता, वहां कहां है दूसरी वहां परकटी कबूतरी? वो क्लब में है। अच्छा, वहां फिर गैर मर्दों के साथ तमाशे करे ना, जहर मार कर। ये चाय पिका चल, मैं तो इसने पहले ही कहूं था मैंने लस्सी पिला दो। चाय में जहर है, अगर तुमने मेरे तीन गिनने तक ये प्याली खाली ना की तो मैं इसे गोली मार दूंगी। पियो, मैं कहती हूँ पियो। एक, दो। पकड़ मेरी काजल इसने। ये
करियो काजल। मैं बता, मन ने जहर देना चाहे थी। कोई अपनी जगह से ना हिले। मैं क्यों ना हिलू? गिरफ्तार कर बैठे और लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। हम सबको जानते हैं वो लड़की विल्मा कहाँ है। वाह वाह, ये बता रही थी कि नाज घर में है कि थानेदार। हम उसे भी गिरफ्तार कर लेंगे। छोड़ी नु हाथ ला, अल्लाह तेरा भला करे। बड़े वक्त में पहुंच प्रकाश जल। सिया मेरी बच्ची, तूने अपनी जिंदगी को किस कदर खतरे में डाल रखा था। तो क्या आपको सब कुछ मालूम हो गया नाना जान? हाँ, मुझे डॉक्टर नासिर ने सब कुछ बता दिया है कि तू देहाती लड़की बनकर वहाँ किस तरह रही और फिर ये जलील तुझे गांव से उठाकर हमें धोखा देने के लिए शहर उठा लाया। नाना जान, अगर मैं ये बहरूप ना बदलती तो आप इरशाद का असली चेहरा कैसे देखते? हाँ बेटी, तू ठीक कहती है। नाना जान, ममतू को भी दाद दीजिए जिसने कदम कदम पर मेरी हिफाजत की और जिसकी माँ ने मुझे अपने घर में सगी बेटी से ज्यादा प्यार दिया। मामू चौधरी, हम तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करें? आपने पास रखो अपना शुक्रिया। हो रखो रिका चल, तहते कभी थी तेरा ही दुनिया में कोई ना है, सारे मर खप गए। इब बता, तने मेरी भोली माँ और बहन को भी धोखा दिया, मैं उनको के जवाब दूंगा? रे, ये मन ने पता होता कि तू किसी दौलत वाले की छोरी है जो घर से भागी हुई है तो मैं तेरा पीछा ही क्यों करता? मैंने तो तने मजलूम समझ के तेरी मदद की थी। मन्ने बता काजल, तुम शहर वाले कैसे लोग हो? तने शर्म ना ही अपने नाना को तकलीफ देते हुए? तुम्हारे स्कूल में यही शिकायत है तमन। मेरी बात तो सुनो ममतू बेटे। अचेठ, मन्ने जानते तन्ने तेरी नबासी मिल गई थी इसने नाना। मैं तुम्हारा के लगू? मैं तो बेवकूफ था सेठ, मैं इसके पीछे आके शहर में थाने कोतवालियां छानता फिरा। हम तुम्हें नहीं जाने देंगे सेठ। ना सेठ साहब, मेरे खेत मन्ने आवाज दे रही, मेरी भोली माँ ते बहन मेरा दरवाजे पे खड़ी इंतजार कर रही। काजल बीबी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बीबी। खुदा भी सब खुश रखे, तने मारे था बहुत अच्छी की। से के लेना आई है तेरी या पोटली देना आई हूं? तैं भूल आया था ना? तेरी खड़ी मेहरबानी। या ले रे भाई, टिकट दे देना मेरा भी पूरा टिकट। अरे भाई, अपनी जनानी का टिकट नहीं देगा? या हमारी जनानी क्यों होती? या तो बहुत बड़े सेठ की नवासी है। देख रहे ममदू, इब की तने मेरी बेटी पर जरा भी रोब जमाने की कोशिश की ना तो मैं भी तने एक दूंगा उल्टे हाथ का। रब दर्जिया के नाना कहें। खुदा तुम दोनों को खुश रखे और तू भी खुश रहे। अस्सलाम वालेकुम। इब्न, तय भी जाना, तय हमारी के लगे। बड़े बड़ी मान थारे नैना, दिल मा रहते है दिल से ही।